The next question, number 19. Find the general solution of the equation dy by dx minus x is equal to x into y square. Also find the particular solution if y is equal to 1 when x is equal to 0. जी हमने इस exercise के start में कुछ definitions जब पढ़ी थी, तो हमने बात की थी differential equation के general solution की और differential equation के particular solution की. हम लोग ने discuss किया था कि अगर आपके पास कोई arbitrary constant solution में मौजूद होगा, और सॉल्यूशन से मुराद जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो डिफरेंशियल लेस एक्सप्रेशन जी जो एंड में हम गेट कर रहे हैं दैट इज द जनरल सॉल्यूशन जिसमें एक कांस्टेंट मौजूद है जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं. अब अगर वो सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकें अंडर द गिवन कंडीशंस देन दैट सॉल्यूशन विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दीस कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस जी जो ये हमें अवेलेबल हैं कि जब x जीरो है तो y की वैल्यू वन है तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मालूम करें. जी पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फर्स्ट 18 क्वेश्चंस कर चुके हैं. सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर. जी हम इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. पहले माइनस एक्स है राइट साइड पर आएगा प्लस एक्स हो जाएगा. डी एक्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं और उससे पहले हमने एक्स कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड पे दैट विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस वन. अब डी एक्स राइट साइड पर शिफ्ट होगा और वाई स्क्वायर प्लस वन हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे विच इज दिस वन. 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स. वेरिएबल सेपरेट हो गए देन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स दिस वन इज इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई एंड एक्स डी एक्स. 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल टैन इनवर्स वाई सॉरी दिस वन इज कंपोजिंग मिस्टेक टैन इनवर्स वाई एक्चुअली इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी. दिस solution which is representing by this one is called general solution. यहां पर c की कोई particular value नहीं पता हमें तो यह solution कहलाता है general solution of the differential equation. अब अगर हम particular solution मालूम करना चाहते हैं तो फिर ये conditions जिसको हमने नाम दिया कि these are actually initial conditions जिसमें x zero है तो y की value one. तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं y इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू जीरो इन वन जो कि जनरल सॉल्यूशन था हमारा. तो दैट विल बिकम टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय टू प्लस सी. अब टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर इज इक्वल टू जीरो प्लस सी. तो यहां पर से c की वैल्यू आ जाएगी यानी हम यू लिख दें टेन इनवर्स वन इज एक्चुअली पाई बाय फोर जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो और प्लस सी. तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय फोर. अब ये सी की वैल्यू हम वन में पुट कर दें पुट सी इज इक्वल टू पाई बाय फोर इन इक्वेशन वन देन टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस पाई बाय फोर. सो दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. लिहाजा हम अगर दोबारा इसकी बात करें कि जब तक हमारे पास सी मौजूद है यानी सी की कोई वैल्यू हमने फाइंड नहीं की एग्जैक्टली या पर्टिकुलरली सी की कोई वैल्यू देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन. और जब हम गिवन कंडीशंस के तहत ये सी की वैल्यू मालूम कर लें देन दैट सॉल्यूशन विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टू एक्स गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू फोर व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो. जी अगेन आपके पास ये कंडीशंस गिवन है. इन कंडीशंस के तहत आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है. लिहाजा हम पहले मालूम करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और उसके बाद हम मालूम करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दीज पर्टिकुलर वैल्यूज. सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी हैव डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू टू इंटू डी टी एज वी हैव डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 2x. तो ये dx x डिवाइड हुआ लेफ्ट साइड पर आकर यानी dx के साथ हमने x वेरिएबल और dt को हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया.
वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, 1 ओवर x dx और 2 dt, log ऑफ x इज एन इंटीग्रल ऑफ दिस वन, और राइट साइड पर 1 का इंटीग्रल t, बिकॉज वी हैव वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको सिंप्लीफाई किया बाई टेकिंग e ऑन बोथ साइड्स, e log ऑफ x e raised to the power 2t plus c1. e log x is equal to e raised to the power 2t into e raised to the power c1. e और log cancel, x बच गया, ये represent कर दिया हमने by c e raised to the power 2t as it is रहा, because e की कोई constant power की जाए तो वो constant ही रहता है, लिहाजा इसकी जगह पर ये constant आ गया e raised to the power 2t, इसको represent कर दिया by 1. अब हम conditions use करते हुए पुट x इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, लिहाजा x की जगह 4, ये c एज इट इज, e 2 t की जगह पर 0, तो 0 इंटू 2 विल बिकम 0 और e रेस्ट टू द पावर 0 विल बिकम 1, लिहाजा c की वैल्यू आ गई 4. अब ये c की वैल्यू हम जो जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था, दैट वाज एक्चुअली आवर जनरल सॉल्यूशन. इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विच इज x इज इक्वल टू 4, ये c की जगह पर हमने 4 पुट किया और e रेस्ट टू द पावर 2t एज इट इज रहा, लिहाजा दिस विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अनदर एग्जांपल ऑफ दीज इनिशियल कंडीशंस, क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ds ओवर dt प्लस 2st इज इक्वल टू 0, also find the particular solution when s t is equal to 0 s is equal to 4e. तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन मालूम करते हैं, वही वेरिएबल सेपरेट करने की टेक्निक यूज करते हुए, ds ओवर dt है प्लस 2st इज इक्वल टू 0, जैसे हम प्रीवियस करते आए हैं क्वेश्चन में, पहले हम 2st को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे विच इज माइनस 2st, और अब आप इजीली ये dt राइट साइड पर ले आइए, s को डिवाइड कर दीजिए तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, t के साथ dt के साथ t वाला वेरिएबल और ds के साथ s वाला वेरिएबल. इंटीग्रेट किया, ds ओवर s इज इक्वल टू माइनस 2 t dt, दिस विल बिकम log s, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू s किया है तो log ऑफ s, और राइट साइड पर माइनस 2 t का इंटीग्रल t स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 कैंसल, वी हैव log s, जी पहले हम इसको जरा लिख लें सिंप्लीफाई करके, दिस इज एक्चुअली log s इज इक्वल टू माइनस t स्क्वायर प्लस c1. e अप्लाई किया बोथ साइड्स पर, e log s e रेस्ट में माइनस t स्क्वायर प्लस c1, और वही टेक्निक के e और log कैंसल, s बच गया, e रेस्ट टू द पावर c1 को अलग कर दिया और e रेस्ट टू द पावर माइनस t स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, लिहाजा जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू c, जी दिस इज एक्चुअली c, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की है कि e की पावर कोई कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट नंबर, सो वी हैव s इज इक्वल टू c e रेस्ट टू द पावर माइनस t स्क्वायर. अब आप इसमें ये कंडीशंस जिसको हमने इनिशियल कंडीशंस कहा ये पुट कीजिए, s इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो s की जगह आ गया 4e, यस सॉरी 4e है, s गिवन है 4e, 4e इज इक्वल टू c e रेस्ट टू द पावर 0, e रेस्ट टू द पावर 0 विल बिकम 1 और c की वैल्यू बन गई 4e. ये c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपने जनरल सॉल्यूशन जो कि हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा s इज इक्वल टू 4e और e रेस्ट टू द पावर माइनस t स्क्वायर. अब ये भी e है, ये भी e है, बेसिस सेम है, पावर्स कंबाइन करेंगे ऐड हो जाएंगी, लिहाजा s इज इक्वल टू 4e 1 माइनस t स्क्वायर, दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दीज पर्टिकुलर वैल्यूज जो कि s और t की गिवन थी, उनके तहत हमने ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम कर लिया.